हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर ई लर्निंग क्लासेस श्री वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर स्कूल बलोत्रा। योर क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड योर चैप्टर नंबर 7, डेसिमल। योर रनिंग चैप्टर डेसिमल। टॉपिक इज लेट अस डू 7.1, पेज नंबर 113-114। नाउ टुडेज रिमेनिंग क्वेश्चन आपको 114 पर मिल जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज 7.1 या लेटेस्ट डू 7.1 में क्वेश्चन नंबर कैपिटल सी एंड कैपिटल डी रिमेनिंग रहे थे। टुडेज वी विल डिस्कस ऑन कैपिटल नंबर सी। कैपिटल नंबर सी क्या बोल रहा है? रीड एंड राइट इन वर्ड। क्वेश्चन पूरा है, फॉलोइंग डेसिमल है आपके पास, नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो इन फाइव क्वेश्चंस को कैसे लिखना है? रीड राइट इन वर्ड, वर्ड में कैसे अपन लिखते हैं वो शो करना है। ओके, एंड कैपिटल नंबर डी क्या है? राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास वर्ड वाइज लिख रखा है कोई भी नंबर, डेसिमल नंबर, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को वर्ड वाइज वर्ड में लिखना है और इस वर्ड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यू कैन सी इजीली फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। अब आपको रीड एंड राइट इन वर्ड, वर्ड में लिखने के लिए आपको दो मेथड बताए थे, एक हार्ड एक इजी। आप इजी भी लिख सकते हो ऑलवेज, सब जो भी डेसिमल आपको फिक्स नंबर दे रखा है डेसिमल, उसको इजी मेथड में भी आप सॉल्व कर सकते हो और हार्ड में भी कर सकते हो एज यू विच। तो एज यू विच में आपका पहला ये 0.015। आपको पता ही है कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के इस तरफ वाले आपको वन बाय वन पढ़ना है और लिखना भी है। जीरो है तो जीरो ही पढ़ना है, वन है तो वन ही पढ़ना है, फाइव है तो फाइव ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जीरो और वन फाइव को 15 लिख दो, नहीं, वन है तो वन, फाइव है तो फाइव। तो कैसे लिखूंगा मैं जीरो को? तो जीरो जीरो, ये वाला ये पॉइंट है, ये लो पॉइंट, फिर जीरो, ये लो जीरो, एंड वन वन, एंड फाइव फाइव, हो गया। तो 0.015, 0.015 एज इट इज, जैसा मैंने रीड किया है, जैसा मैंने स्किप स्पीक किया है, वैसा मैंने लिखा है 0.015। अभी ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का डेसिमल आपको शो हो रहा है, डेसिमल के आगे तो आपको कंबाइंड में लिखना है, फिर डेसिमल के बाद वाले को वन बाय वन लिखना है। ये तो आपका इजी मेथड है। तो 36 है, ये तो कंबाइंड में बोलूंगा बिकॉज ये तो होल नंबर है। तो 36 एंड पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट 36 पॉइंट। अब वन बाय वन नहीं बोलना है, पूरा नहीं, 753 नहीं, वन बाय वन, सेवन सेवन, फाइव फाइव, एंड लास्ट में कौन है? थ्री थ्री। तो 36 पॉइंट पॉइंट 753। ये तो हो गए इजी मेथड में। ओके, अब इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को इजी मेथड में भी लिख सकता हूं। इजी मेथड में कौन हो जाएगा? ये होल नंबर है पॉइंट के इस तरफ वाला, 175 मैंने लिख दिया, 175.369 इसको हार्ड मेथड में भी लिखूं तो कैसे लिखूंगा? पॉइंट हटाऊंगा मैं, पॉइंट हटाने पर मेरे को फ्रैक्शन फाइंड होगी। कैसी फ्रैक्शन फाइंड होगी? पॉइंट हटाने पर 1, 2, 3, 0 बिकॉज डेसिमल के बाद कितने? 1, 2, 3, 0 है। तो 1, 0, 2, 0, 3, 0 के बाद 1 लगाना है। 1, 2, 3, 0 है तो 1, 2, 3, 0 एंड 1। और एज इट इज 175 तो अलग से लिख दिया ये वाला, एंड 369 ये वाला अलग से लिख दिया। अब इसको वर्ड वाइज जो हार्ड मेथड में कैसे लिखते हैं? 175
फाइव, ये तो हो गया इधर वाला, फिर बीच में क्या लिखते हैं एंड 369, 369 एंड जो अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वो कौन है, थाउजेंड है, और नीचे डिनोमिनेटर में मीन्स थाउजेंड थ, थाउजेंड थ ये वाला लिख दूंगा, यानी ये वाला यदि मैं यहां शो करूं तो 169 के बाद क्या हो जाएगा, थाउजेंड थ। ओके, तो ये थाउजेंड यहां हो गया, यानी इसको पूरा, और इजी मेथड में तो कैसे लिखूंगा, 175 लिख दिया मैंने, 175.369, या फिर अलग अलग 175 एंड 369 एंड जो थाउजेंड है वो थाउजेंड, 175 एंड 379,000 था। तो इजी मेथड में भी आप इजीली लिख सकते हो, वन बाय वन डेसिमल के इस तरफ पूरा, 36 है तो 36, 175 है तो 175, फिर 0.753, 0.753। तो ये तो हो गया इजी मेथड में, और ये नीचे वाला हो गया हार्ड मेथड में। तो आपकी चॉइस है, आपको एज यू विच के कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। इजी मेथड में भी यहां आपको देखो, इजी में भी दे रखा है और हार्ड में भी दे रखा है। अब आपको इजी में दे रखा है तो इजी को सॉल्व करो और स्टैंडर्ड मेथड फाइंड करो, और हार्ड में दे रखा है तो हार्ड को भी सॉल्व कर स्टैंडर्ड मेथड में फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म 0.13, ये तो आपको देखो वर्ड वाइज दे रखा है, जीरो मीन्स जीरो, पॉइंट मीन्स 0.13, तो ये तो क्या हो गया स्टैंडर्ड मेथड में, जीरो जीरो, पॉइंट को मैं क्या सॉल्व करूंगा, ये लो पॉइंट, वन वन थ्री थ्री, ये मेरा स्टैंडर्ड मेथड में आंसर हो गया 0.13। इजीली मेथड में तो आप इजीली लिख सकते हो जैसा वो लिख रखा है, जीरो जीरो, पॉइंट है तो पॉइंट, वन है तो वन, थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, फाइव है तो फाइव, एज इट इज। और ये हार्ड वाला मेथड है, हार्ड वाले मेथड में देखो क्या है, थ्री एंड 523, 3 एंड 523, तो पहले तो अपन को लिखना 3, ये फिर एंड आ गया मीन्स यहां गैप हो गया, 523, 523, और नीचे क्या है थाउजेंथ, थाउजेंथ मीन्स ये वाला हो गया 3 एंड 523 थाउजेंड। तो अब यहां देखो वन नंबर 2030 है, 1230, 1 2 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, इट मींस ये 3 तो आगे का आगे ही है, 1 2 3 के आगे डेसिमल, ये लो 523, इसको मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया एज इट इज, तो 300 का 3 एंड 523 और डेसिमल हटाने के बाद थाउजेंड हो गया, तो ये आपका लास्ट आंसर हो गया। ओके, तो ये जो इजी मेथड और हार्ड मेथड में स्टैंडर्ड मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। इट मींस सी के जितने भी क्वेश्चन है कैपिटल सी के, राइट एंड रीड इन वर्ड, वो कंप्लीट करना है इन योर होमवर्क, एंड कैपिटल डी के भी जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको इन होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।